स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। इस वक्त इंग्लैंड टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, हाथ जमाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन विकेटें 6 गिर चुकी हैं। और मदन जी और निखिल दोनों मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मदन जी, 150 से नीचे नीचे चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। देखिए, मैं जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, जॉब वेल डन, पेसर ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है। देखिए, बेहतरीन करने का एक तरीका भी है कि जहाँ पे विकेट को यूज करना, फ्रेश विकेट है उसको यूज करना बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने गेंद आगे रखा और गेंद सीम भी करा था लंच टाइम तक, बहुत सीम किया, अभी भी सीम कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे मोहम्मद शमी का बॉल जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाज तो टच भी नहीं कर पाएंगे जैसे उनका सीम कर रहा था। तो अभी तक तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, और इनको ज़्यादा रन बनने नहीं देने चाहिए। हाँ, क्योंकि ये बात जरूरी है। अगर आपने 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 47 चार आउट किए हैं या फिर 111 छः आउट किए हैं, वो पुछल्ली जो टेल जो है ना, वो पूंछ वो ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि कई बार 160 170 180 फिर ये लगने लगता है कि यार हम तो इनको जल्दी आउट कर सकते थे, और सामने वाली टीम को लगता है कि हम तो जेल से निकल आए हैं, उनको दो विकेटें मिल जाएं, और निखिल फिर वहां हालात बदलते। लेकिन फिलहाल मैं इतनी दूर पता नहीं क्यों चला गया, 111 छह विकेट पर आपको इनको 140-50 के अंदर अंदर आउट करने का बेहतरीन मौका है, क्योंकि विकेट शायद यही है, आपने इस विकेट को आउट करना है, उसके बाद फिर मुश्किल है उनके लिए। इसके बाद तो फिर गेंदबाज आ जाएंगे सैम करन को, ब्रॉड और एंडरसन, क्योंकि अब आप इंतजार नहीं कर सकते कि चीजें आपके पक्ष में गिरे, क्योंकि मोइन अली भी रन बना सकते हैं, सैम करन ने इस टेस्ट श्रृंखला में अर्धशतक जड़ा है, तो उनको आप हल्के में नहीं आंक सकते। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपने ये सोच के गेंदबाजी करनी है कि आपने 150 के अंडर अगर इंग्लैंड को आउट कर देते हैं, चौथी इनिंग में आपको कम से कम स्कोर मतलब डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से भारत बल्लेबाजी करेगा, विकेट और बेहतर हो जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन सबसे ज़रूरी आगे ना जाके जॉब इन हैंड क्या है, आज वर्तमान में क्या है हाथ में कि आपको ऑल आउट करना है इंग्लैंड को 150 से पहले पहले। दो तरह से देखता हूं मैं तो आज के खेल को भी देख रहा हूं मदन जी। एक ये कि हमारे तेज गेंदबाजों ने कमाल की, वो तो हम दो दिन से आंकड़े भी दिखा रहे हैं कि 1888 के बाद किसी विदेशी टीम ने, तेज गेंदबाजों ने इंग्लैंड में इस बेहतर स्ट्राइक रेट से गेंदबाजी नहीं की, तो मतलब कुछ तो इन तेज गेंदबाजों ने किया होगा। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग को देखकर मदन जी, मुझे ये लगता है कि इस टीम से हम दो टेस्ट मैच कैसे हार गए। हाँ बिल्कुल, दो टेस्ट मैच कैसे हारे, देखिए ये हमने खुद की अपनी गलतियों से हारे हैं, जो भी हुआ, पर फिर भी अच्छी बात है कि हम वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप पेसर को देखें बॉलिंग करते हुए, मैं समझता हूँ कि देखिए उनके बल्लेबाज अगर आप बैटिंग करते देखें तो वो आगे आ ही नहीं रहे, आगे मतलब जैसे वहां ही खड़े खड़े खेल रहे हैं, जो बचपन से स्विंग और सीम खेलते हैं, जो खेलते हैं, और जैसे भारत में आगे हम स्पिनर ना खेल पाए, वो चीज हो गई उनके लिए। हाँ, मेरे को ये लगता है कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों के एक तो उनका खौफ चल लगा लगा, जैसे कहते हैं ना कई बॉलर का खौफ पड़ जाता है, किसी ने होता साइकोलॉजी साइकोलॉजी है वो है, हाँ वो होती है। और दूसरा ये है कि देखिए, और इंग्लैंड में ऐसे विकेटों को यूज करना, मैं समझता सारा क्रेडिट जो है बॉलर्स को जाता है, डरे हुए हैं इसमें, मैं पंजाबी में स्टाइल में अगर कहूं, डरे हुए हैं। विक्रांत भाई, अच्छी बात क्या है, इसको आप क्यों कहते हैं कि घातक गेंदबाजी हो रही है, कितने सालों के बाद आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं 140 से अधिक की गति पे बॉलिंग कर रहे हैं, लेंथ जिसको टप्पा हम लोग बार बार कह रहे थे वो सटीक है, और गेंद हवा में शरारत कर रही है, और वो एक मन में शंका जब पैदा हो जाती है ना बैट्समैन की, आगे खेलूं या पीछे, बस वो शंका ही पैदा करनी है, क्योंकि उस गति पे बॉल जब सामने से आधा इंच भी मूव कर जाता है वही काम कर जाता है। टप्पा जो आपने कहा, और टप्पा तो वाकई में श्रीनाथ को भी कहते हैं ना लेट टप्पा मिला था, एबिलिटी थी। ईशान शर्मा, शायद ईशान शर्मा 12 महीने पहले तक हर कोई कहता था यार कितने टेस्ट मैच खेलेंगे, कब जाकर वो विकेट टेकिंग बॉलर बनेंगे, बॉल बीट करने वाला अलग होता है, विकेट लेने वाला अलग है। शायद इनको काउंटी खेलने का वो फायदा हुआ है जो जहीर खान को 2006-07 में हुआ था। अब देखिए मदन जी, ये सीम कराते थे, अब इनका बॉल स्विंग होता है और लेट स्विंग होता है, अब जो रूट का डिस्मिसल उठा के देखिए, हाँ बिल्कुल, गेंद जिस तरह अंदर आया और एंड में अंदर आया, देखिए फायदा तो होता ही है वहां पे। आप जब शुरू में जाते हैं, अगर मैंने कई बार भी कहा कि जब आप थोड़ा सा भी हल्का जब बैक शॉट गेंद करते हैं ना, ऐसा लगता है कि विकेट कीपर के पास नहीं पहुंचेगा, पर अगर आप आगे बॉल करते हैं गेंद स्विंग भी करता है और ऐसा लगता है कि यार बड़ा तेज गेंद आ रहा है, तो ईशान शर्मा ने ये तो डिफरेंस आया ही आया है।
कि उन्होंने गेंद आगे करना शुरू किया और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात है कि जहाँ से आपको विकेट मिलते हैं वहाँ गेंद रखना बड़ा जरूरी है, चाहे आपको वहाँ पे एक दो चौके लग ही जाएँ तो कोई बात नहीं। जैसे मोहम्मद शमी ने बटलर को आउट किया, उससे पहले उसने एक कवर ड्राइव, बड़ी अच्छी कवर ड्राइव मारी थी, आपने अगर देखा होगा सेकंड बॉल उसी जगह पे उन्होंने गेंद, बिल्कुल, तो वहाँ पे ही जो है ना वो कॉटन फ्लिप हुआ। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि देखिए इनका होमवर्क काफ़ी अच्छा हुआ हुआ है भारतीय टीम का, तो ये जो है टीम जो इस वक्त खेल रही है इससे मेरे का कहते ना ट्यूनिंग आपस में, लेकिन कहानी अब आपकी बैटिंग पे आ जाएगी क्योंकि देखिए तो आई आएगी, हाँ वो क्योंकि मोइन और इस वक्त सैम करन क्योंकि देयर आल्सो थ्रोइंग देयर बैट, 120 हो गए, बातों बातों में 105, 110, 120 हो सकता है, 150 हो, 160-170 भी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर टॉस के वक्त आप इंडिया को कहते कि आप यार 200 से नीचे नीचे इंग्लैंड को आप ले लेते, उस वक्त इंग्लैंड को भी आप पूछो इंग्लैंड कहेगा यार 200 हमें दे दो, मतलब इंग्लैंड की सिचुएशन ऐसी है, लेकिन फिर भी ले देकर बात आपकी बैटिंग पर ही आ जाती है। पहले तो दो टेस्ट मैचेस की आपने बात की विक्रांत भाई कि हम लोग क्यों हारे, आपकी बैटिंग नहीं चली, गेंदबाज आपको मैच में लेके आए, आप जो तीसरा टेस्ट मैच जीते थे इसलिए क्योंकि पहली इनिंग में भारत ने 330 के लगभग स्कोर रन बोर्ड पे लगाए, यही उनको इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, और अच्छे संकेत ये हैं कि आपके सलामी बल्लेबाज बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने एक शुरुआत अच्छी दी और जैसे जैसे गेंद पुराना हो रहा है विकेट बेहतर होती चली जा रही है, कल बैटिंग बेहतर हो जाएगी, इसमें कल और बेहतर होगा ही होगा, कल और बेहतर होगा, बेहतर होगा क्योंकि देखिए वो जूस जो होता है ना, जब जो दम होता है ना विकेट का, वो आहिस्ता आहिस्ता फोर्थ फिफ्थ डे देखेंगे, शुरू शुरू में नया गेंद थोड़ा सा सीम करेगा, उसके बाद 20-25 ओवर के बाद गेंद का अच्छा सीधा आना शुरू हो जाएगा, कई बार ऐसा लगता है यार अभी तो बड़ा मूव कर रहा था अभी सडनली जो है जूस ने चूस लिया, इंग्लैंड भी आएगा, इंग्लैंड भी बॉल करेगा, जिमी एंडरसन आएंगे बॉल डालेंगे, और सैम करन एक इंटरेस्टिंग चॉइस है उनके लिए क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर आपकी कमजोरी है जो मर्जी कहिए, और जो नेचुरल बॉल अंदर तो आता है लेकिन अगर इस विकेट पर जहां पर बाउंस है वो सीधे रहने वाला गेंद जो विद द एंगल चला जाए वो आपके बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। डिपेंड करता है ना कि हम कैसे बैटिंग करते हैं, अगर जब विराट कोहली बैटिंग कर रहा होता तो हमें लगता कि गेंद सीम ही नहीं कर रहा अगर आप वहां टिक जाते हैं तो जैसे बटलर की और जो इसके बेन स्टोक्स की हुई थी पार्टनरशिप लास्ट मैच में, ऐसा लगता गेंद सीम नहीं कर, ऐसे ही जो कोई सेट हो जाता फिर उससे ऐसा लगता भी यार गेंद बिल्कुल अच्छा बड़ा बढ़िया आ रहा है, तो ये थोड़ा सा सेटल होने वाली बात है जहाँ पे आपको खड़े होकर खेलना पड़ेगा, बाकी देखिए रन बना जाएंगे, अगर आप 50-100 रन की लीड ले जाते हैं तो मैच गया, मतलब इंग्लैंड मैच नहीं जीत सकता, अभी भी मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड का वापसी करना यहाँ से डिपेंड करता हमारी बैटिंग के ऊपर।